आइए अब एफओ रमेश और डीएसआर विजय के टीएलएसडी के डिस्कशन को समराइज करते हैं। रमेश ने विजय से जाना कि किन कारणों से उन्हें लगता है कि वो पिछले मंथ के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को अचीव नहीं कर पाए। इन पॉइंट्स को उन्होंने अपनी एमईआर बुक में नोट किया। रमेश ने विजय से रेंज सेलिंग बढ़ाने को कहा। इसके लिए उन्होंने विजय से आरओ बुक में आउटलेट के सेल्स ट्रेंड को देखकर एसकेयूज आइडेंटिफाई करने को कहा। साथ ही दुकान में कंपटीशन का स्टॉक देखकर भी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने को कहा। विजय ने रमेश को बताया कि स्टॉक नहीं रहने के कारण, छोटी दुकानों के लिमिटेड एसकेयूज लेने के कारण उन्हें टीएलएसडी अचीव करने में मुश्किल हो रही है। इन पॉइंट्स को रमेश ने एमईआर बुक में नोट किया। टीएलएसडी बढ़ाने के लिए रमेश ने विजय को अपनी एग्जिस्टिंग आउटलेट्स में बिलिंग बनाए रखने के लिए कहा। जिन आउटलेट्स ने परचेज नहीं किया है उन्हें बिल करने को कहा और नई दुकानें खोलने को कहा। इन सभी एक्शंस से टीएलएसडी बढ़ेगी। रमेश ने मंडे बीट में ए क्लास आउटलेट्स में दो दो लाइंस बढ़ाने को कहा और बाकी आउटलेट्स में एक एक लाइन बढ़ाने को कहा। इसी तरह विजय ने बाकी बीट्स के लिए अपना एक्शन प्लान तैयार किया। रमेश ने विजय से पूछा कि वो किस एसकेयू को हर दुकान में प्लेस करके अपनी टीएलएसडी बढ़ा पाएंगे। विजय ने हिट चौक के प्रोमो एसकेयू को आइडेंटिफाई किया हर दुकान में प्लेस करने के लिए। रमेश ने विजय से सेलिंग स्टोरी प्रैक्टिस करने को कहा। सेलिंग स्टोरी का सही इस्तेमाल करके विजय दुकानदार को कन्विंस कर पाएंगे स्टॉक लेने के लिए। रमेश ने विजय से फोकस प्रोडक्ट सैंपल और करंट पीओएस को मार्केट में कैरी करने को कहा। सैंपल से वो रिटेलर को कन्विंस कर पाएंगे और पीओएस की मदद से दुकान में ऑफ टेक बढ़ेगा। रमेश ने विजय को ध्यान दिलाया कि टीएलएसडी की अचीवमेंट से उनका अभिलाषा इंसेंटिव का एक पैरामीटर अचीव हो जाता है। रमेश ने विजय से अभिलाषा ट्रैकर में टीएलएसडी का टारगेट अपडेट करने को कहा। रमेश ने विजय को बताया कि वो उनकी टीएलएसडी की अचीवमेंट को डेली ट्रैक करेंगे। इसके अलावा मार्केट विजिट में वो डिटेल में उनकी टीएलएसडी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे।